क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 427A पुलिस रिक्रूट्स। आज वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का स्टोरी ये है कि एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी है और उसमें एक पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इस टाइम पे क्राइम्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, ठीक है। तो क्राइम्स कुछ ज़्यादा होने के चलते पुलिस फोर्स के जो मैन पावर है बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को और रिक्रूट करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि टेबल में देखते हैं थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट लिए कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हैं, ठीक। तो इसमें 3 इवेंट्स लिए हैं। तो इसमें एक है कि स्टार्टिंग में जैसे पहला इनपुट हम लोग इसमें दो ही तरह के इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। एक है -1 इनपुट होगा, ठीक है, और एक इनपुट होगा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर इनपुट होगा, ठीक है। ये दो ही टाइप का इनपुट हो सकता है। तो अगर नेगेटिव इनपुट हम लोग जैसे यहाँ -1 लेते हैं तो उसका मतलब होगा कि कुछ क्राइम हुआ, ठीक है। अगर -1 ले रहे हैं मतलब कि क्राइम हुआ है, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ +1 लिखा हुआ है तो +1 का मतलब कि एक पुलिस फोर्स यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफर या फिर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे है कि टोटल 3 इवेंट्स हुए, ठीक है, टोटल 3 इवेंट्स हुए। 3 इवेंट्स में पहला इवेंट हुआ कि एक क्राइम हुआ, -1 यानी एक क्राइम हुआ, ठीक, एक क्राइम हुआ। सेकेंड इवेंट में क्या हुआ, सेकेंड इवेंट में हुआ कि सेकेंड इवेंट में भी दिखाता है कि ये है -1 यानी यहाँ भी एक क्राइम हुआ, ठीक है, एक क्राइम हुआ, ठीक। थर्ड इवेंट में क्या हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर का यहाँ पोस्टिंग हुआ, ठीक है, यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक, अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग को ये करना है, मतलब कि जब भी कोई क्राइम होगा, ठीक है, जब भी कोई क्राइम होगा तो क्राइम होने से पहले हमेशा एक ऑफिसर का होना ज़रूरी है, ठीक है। वही एक ऑफिसर उस क्राइम जो, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ क्राइम हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक भी पुलिस ऑफिसर है नहीं है, इसीलिए इस क्राइम को कोई देखेगा नहीं, ठीक है, इसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इस केस में सेकंड वाला देखते हैं तो थोड़ा सही समझ में आएगा। सेकंड वाला में क्या है, इसमें टोटल 8 इवेंट्स हो रहे हैं। पहला इवेंट में है 1 मतलब यहाँ +1 लिए, इसका मतलब कि यहाँ अभी एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक, एक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ। तो अभी हम लोग का पुलिस स्टेशन में अभी एक ऑफिसर है, ठीक, एक ऑफिसर है, ठीक। जब सेकेंड इवेंट हम लोग लिखते हैं तो सेकेंड इवेंट में -1 देते हैं, मतलब एक क्राइम हुआ, ठीक है, एक क्राइम हुआ। जब एक क्राइम हुआ तो जैसे क्राइम हुआ तो ये क्या करेगा, जो पहला ऑफिसर जो अभी एक ही ऑफिसर है ये इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो इसको इन्वेस्टिगेट किया, अब हम लोग का पुलिस में पुलिस टोटल अभी 0 हुआ, ठीक है, अभी स्टेशन में कोई नहीं है। थर्ड इवेंट जो हुआ, थर्ड इवेंट में एक और पुलिस का ऑफिसर का एक अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, थर्ड में एक और आया, ठीक है। तो अब पुलिस का अवेलेबिलिटी 1 हुआ, ठीक है, अभी एक पुलिस है, ठीक है। थर्ड फोर्थ वाला में, ये जो फोर्थ वाला इवेंट है, फोर्थ इवेंट में फिर एक और क्राइम हुआ -1, ठीक है। तो -1 हुआ तो अब देखेंगे कि क्या एक ऑफिसर भी खाली है क्या, हाँ देखते हैं, एक ऑफिसर है। तो ये एक ऑफिसर क्या है ना, इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। अब पुलिस कितना है, अब पुलिस से 0 हो चुका है, ठीक है। अब जैसे 0 हुआ, ये जो फिफ्थ इवेंट हुआ यहाँ पे, जैसे फिफ्थ इवेंट यहाँ पे हो रहा है तो फिफ्थ इवेंट में देखते हैं कि फिफ्थ इवेंट में एक क्राइम हुआ, ठीक है, लेकिन अभी पुलिस ये स्टेशन में एक भी ऑफिसर नहीं है, तो इस क्राइम को कोई नहीं देखेगा, ठीक है, इसलिए इस क्राइम को अनट्रीटेड क्राइम कहा जाएगा, ठीक है, और इसको कोई नहीं देख रहा, ठीक। उसके बाद ये सिक्स्थ वाला इवेंट में एक पुलिस ऑफिसर आया, ठीक है, लेकिन क्राइम होने के बाद, ठीक है, तो क्राइम होने के बाद अगर कोई ऑफिसर का वहाँ अपॉइंटमेंट होता है तो वो उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ठीक है। कंडीशन यही है कि जब क्राइम हो रहा है तो उससे पहले एक ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ अपॉइंटेड होना चाहिए, ठीक है।
क्राइम होने के बाद अगर कोई अपॉइंटेड होता है, एक या जो भी दो, जो जितना भी अपॉइंट होता है, उससे वो लोग उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा। जो पहले से ऑलरेडी है वही उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा इसको कोड में भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लिए इंट एन, ठीक है, इवेंट्स के लिए, नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो रहा है, ठीक, इवेंट्स इसमें सीन किए, सीन एन किए, ठीक। और हम लोग को इसमें एक्चुअली यही निकालना है कि टोटल कितना क्राइम ऐसा हुआ जिसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो इसमें जैसे पहला वाला में क्या है, पहला वाला का जब क्राइम हुआ तो इससे पहले कोई ऑफिसर यहाँ है नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग दे दिए कि पुलिस ऑफिस नंबर 0 है, ठीक है, पहले स्टेशन में एक भी ऑफिसर नहीं है, तो इसीलिए पहला वाला क्राइम जैसे इस केस में इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। दूसरा वाला क्राइम हुआ, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। तीसरा में फिर एक नया अपॉइंट हुआ, तो नया अपॉइंट हुआ वो तो उसको पुराने वाला केसेस को नहीं देखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ दो केसेस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग का आउटपुट 2 दिया है, ठीक है। हम लोग को यही निकालना है कि टोटल कितने क्राइम्स ऐसे हुए जिसमें जिसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये टोटल इवेंट्स ले लिए। इवेंट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितना भी जैसे इवेंट हुआ, इवेंट को एक एक करके हम लोग फॉर लूप में एक एरे ले लेंगे, ठीक है, एक एरे में एक एक करके इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक। तो फॉर लूप, एक तो एरे ले लेते हैं इंट एम एम नाम से, और उसका साइज एन रखेंगे, ठीक है, कि एन जितना है एम का साइज उतना होगा उस एरे का, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग दिखाएं कि नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स कितने हैं, 0, ठीक है। ये भी हम लोग पहले ही बता देते हैं कि नंबर ऑफ स्टेशन में, अभी नंबर ऑफ पुलिस स्टार्टिंग में 0, ठीक है। रख देंगे नंबर ऑफ क्राइम स्टार्टिंग में 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में हम लोग इंट आई, हम लोग जितना इवेंट्स लिए हुए हर एक इवेंट को एक एक करके जो जो इवेंट होगा अंदर में उसका, ठीक है, उसको हम लोग एरे में डालते जाएंगे। तो आई इज इक्वल टू, पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन एन होगा, आई प्लस प्लस रखेंगे, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे का सी इन करेंगे, सी इन एम आई, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग अभी जो इवेंट ले रहे हैं एम आई, इसको इफ अंदर रखते हैं, ठीक है, इफ इफ अभी जो हम लोग एम आई यानी अभी जो हम लोग इवेंट लिए हैं, अगर वो -1 है, ठीक है, अगर वो -1 है, ठीक, -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक और चीज चेक करेंगे कि अगर अभी पुलिस अवेलेबिलिटी, ठीक है, मान लेते हैं कि क्राइम तो हुआ, ठीक है, हम लोग को पहले ये तो पता चल गया कि पहला इवेंट क्राइम हो रहा है, लेकिन हम लोग को अभी ये भी देखना है कि अभी अवेलेबल पुलिस ऑफिसर अगर 0 है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर क्राइम हुआ और अभी चेक करेंगे कि अभी स्टेशन में पुलिस भी अगर 0 है, ठीक है, अगर स्टेशन में कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर रखेंगे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, एंड काउंटर, एंट काउंट 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काउंटर का बजाय हम लोग क्या करेंगे, ये क्राइम को ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसको तो और कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्राइम क्राइम रखते हैं, इसको काउंट को बदले क्राइम रखते हैं, इसी को यूज़ करेंगे, क्राइम प्लस प्लस, ठीक है। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि ये जो इवेंट हुआ, हम लोग चेक किए क्या ये माइनस, ये जो एम आई अभी जो हम लोग इवेंट में लिए हैं एलिमेंट, क्या ये -1 है, हाँ ये -1 है, ठीक है, -1 है। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर एक भी अवेलेबल है, तो देखते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर अगर 0 हुआ तो समझ जाएगी कि ये केस कोई नहीं देखेगा और ये यहाँ पे एक केस अन इन्वेस्टिगेशन ही में ही रह जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं कि
पुलिस है, ठीक है, या तो पहला केस में होगा कि हम लोग पुलिस नहीं है, क्योंकि पुलिस इज इक्वल टू जीरो किए हैं, मतलब कि पुलिस नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर पुलिस है तो क्या करेगा, पुलिस अगर है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पुलिस का माइनस करेंगे कि कितना पुलिस एक्चुअली यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर यहाँ इस केस में जैसे सेकंड वाला में पहले से एक पुलिस है, ठीक है, पहले से जब पुलिस है तो जब ये ठीक है ये पहला लूप हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पता चल जाएगा पुलिस का साइज यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब हम लोग इसका सेकंड वाला देखेंगे इस जगह पे, जब ये सेकंड वाला इवेंट हम लोग एरे में लेंगे तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या एम आई -1 है, हाँ -1 है, ठीक है। जब -1 चेक कर लिया अब देखेगा क्या पुलिस का साइज 0 है, देखता है कि पुलिस का साइज तो 0 नहीं है तो ये क्या करेगा, इस टाइम ये इफ के अंदर तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पुलिस का साइज 1 है, क्योंकि उसको पता चलिए कि अभी एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो क्या करेगा एल्स में पुलिस माइनस माइनस कर देगा कि ये पुलिस को भी उस केस में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अब पुलिस का साइज जब माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पुलिस का यहाँ साइज अभी 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, अगर ये -1 हुआ तो ये कंडीशन हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एल्स में रख देते हैं, एल्स में रख देंगे पुलिस इज इक्वल टू प्लस प्लस एम आई, ठीक है, सी आउट कर देंगे, सी आउट, हम लोग को तो क्राइम से देखना है कि टोटल क्राइम कितना हुआ, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं आ रहा कि नहीं। जैसे नंबर ऑफ पहले इवेंट्स हो, ठीक है, पहला में आया -1, ठीक है, पहला क्राइम, ठीक है, माइनस, फिर सेकंड वाला भी क्राइम हुआ, ठीक है, थर्ड वाला में एक पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ, तो टोटल आउटपुट आना चाहिए 2, ठीक है। ये इसको दिखाते हैं, वो समझाते हैं इसको। तो सबसे पहले एन का वैल्यू हमें 3 लिया, ठीक है, 3 लिया तो यहाँ पे एम 3 हो गया, ठीक है, एरे का साइज 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए, इनिशलाइज किया कि पुलिस का साइज भी 0 होगा, ठीक है, पुलिस का इस क्राइम की भी सबसे पहले हम लोग 0 रखे, ठीक है। अब हम लोग लूप चलाए, लूप में क्या करेंगे कि जितना भी इवेंट हो रहा है इवेंट में कौन सा क्या क्या इवेंट हो रहा है उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइस यहाँ पे जब एन का वैल्यू जब 3 किया तो ये होगा 0, 1 और 2 तक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग M0 किए यहाँ पे, M0 में क्या लिए हैं, M0 में हम लोग सीन किए -1, ठीक है, -1 लिए, जब -1 लिए तो ये चेक करेगा क्या एम आई इज इक्वल टू -1 है, हाँ ये तो -1 है, बोलता है कि ये तो क्राइम है, यस। जब क्राइम यस है तो अब चेक करना है कि क्या यहाँ पुलिस अवेलेबल है, मतलब तो अगर पुलिस इज इक्वल टू 0 है तो क्राइम प्लस प्लस, मतलब इस क्राइम को कोई नहीं देखेगा और इसको एक काउंटिंग में रखें कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ इसका, ठीक है, इसलिए 1 रखें, ठीक। तो इफ का ये सही हुआ तो ये क्राइम प्लस प्लस हो गया। अब वापस ये तो यहाँ तक हो गया, ये एल्स में जाएगा नहीं, ये इफ का कंडीशन सही था, इसलिए अब वापस फॉर लूप में जाएगा। अब आई इज इक्वल टू 1 लेगा, ठीक है, अब आई इज इक्वल टू जब 1 लेगा, आई जब 1 लिया, ठीक है, आई जब 1 लिया तो यहाँ पे M1 का वैल्यू लिया -1, तो इस बार फिर अब देखते हैं कि क्या एम आई जो M1 का वैल्यू है क्या वो -1 है, हाँ ये -1 है तो क्राइम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या पुलिस का साइज इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो देखते हैं अभी भी पुलिस का साइज अभी भी 0 ही है तो अभी ये क्राइम प्लस प्लस हो जाएगा, तो क्राइम प्लस प्लस यानी ऑलरेडी यहाँ क्राइम का वैल्यू 1 था प्लस और एक 1 हो जाएगा, इसलिए क्राइम अभी 2 हो गया, ठीक है, और ये तो एल्स में जाएगा नहीं और ये भी जाएगा नहीं, ठीक है, ये तो हो गया। तो इतना ही होगा क्योंकि इसके बाद ये आई का वैल्यू अगर 2 लेंगे, अगर आई का वैल्यू हम लोग यहाँ 2 लेंगे, 2 लेने से क्या होगा कि यहाँ M2 का होगा, M2 का हम लोग यहाँ वैल्यू लिए हैं 1, एक तो नया पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ, M2 इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ चेक किए क्या एम आई जो अभी हम लोग 1 लिए हैं इज इक्वल टू -1 है, नहीं, कंडीशन तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशन जब गलत हो रहा है तो हम लोग सीधे एल्स में चल जा रहे हैं, ठीक है, एल्स में क्या कर रहा है कि पुलिस का साइज जो 0 था, ठीक है, 0 था, तो इसका मतलब कि पुलिस अभी क्या हुआ कि पुलिस इज इक्वल टू 0 प्लस अभी MI का कितना है 1, यानी अभी एक पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ है और अभी वो हम लोग पुलिस का वेरिएबल में इसको स्टोर कर देंगे, अभी एक नया पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है।
इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला जैसे टोटल 8 इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। 8 इवेंट्स में सबसे पहला हो रहा है एक अपॉइंटमेंट हो रहा है, इसके बाद एक क्राइम हो रहा है, फिर एक अपॉइंटमेंट हुआ, फिर एक क्राइम हुआ, फिर एक क्राइम हुआ, फिर एक अपॉइंटमेंट, फिर एक क्राइम। तो इसमें सबसे पहले इसको अगर रन करते हैं तो आउटपुट आया 1, ठीक है। अब ये तो ठीक आया, आउटपुट 1 ठीक आया। अब हम लोग देखेंगे ये 1 आया कैसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग एन का वैल्यू लिए हैं 8, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट्स 8 बोल दिए हैं, तो एम यहाँ एन हुआ, जो एम का साइज हुआ, एरे का साइज 8 तक जाएगा, ठीक है, M8 होगा। अब स्टार्टिंग में हम लोग पुलिस का इनिशियलाइजेशन 0 लिए हैं और क्राइम का भी 0 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आई इज इक्वल टू, ये आई इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जाएगा, ठीक है, 0 से 7 तक जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लोग आई जब यहाँ पहले जब 0 से ले रहे हैं, ठीक है, आई जब 0 लिए तो सी इन करके MI यानी M0, मतलब पहले पहला एरे का वैल्यू, ये पहले एरे का वैल्यू हम लोग लेंगे। तो पहले एरे, पहले एलिमेंट जो लेंगे, जैसे क्या लिए हैं हम लोग, यहाँ 1 लिए हैं, ठीक है। हम लोग जो यहाँ 1 लिए हैं, अब चेक करेगा क्या हम लोग जो अभी जो हम लोग एरे का जो एलिमेंट लिया, क्या वो इज इक्वल टू -1 है, नहीं है, ठीक है। -1 नहीं है तो ये पहला लूप में नहीं जाएगा, ठीक है। ये इफ का जो कंडीशन गलत हो गया तो एल्स में सीधा चल जाएगा। एल्स का कहने का ये मतलब है कि अभी पुलिस इज इक्वल टू, पुलिस का स्टार्टिंग मोड कितना इनिशियलाइज किए थे, 0, ठीक है। अब प्लस MI यानी अभी कितना हुआ, ये 1, हम लोग 1 लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि एक पुलिस ऑफिसर का यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, और इसको हम लोग अभी इसको पुलिस वाला वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का पुलिस वाला का यहाँ पे वैल्यू साइज पुलिस का यहाँ इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। अब हम लोग आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। आई जब 1 लेंगे तो सी इन करके एम 1 का वैल्यू, यानी सेकंड जो एलिमेंट है अरे का, सेकंड वाला हम लोग लेते हैं, सेकंड वाला लिए हैं -1, ठीक है, ये वाला -1, ठीक। -1 जब लिए हैं तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या अभी जो हम लोग एलिमेंट लिए हैं M1 का, यानी सेकंड वाला एलिमेंट, क्या वो -1 है। हाँ, सेकंड -1 है, इसीलिए तो हम लोग समझ गए कि -1 यानी एक क्राइम है, ठीक है, -1 वाला एक क्राइम है। तो अब हम लोग इसमें भी चेक करेंगे कि अब पुलिस का वैल्यू 0 है कि 1 है, ठीक है। तो 1 यानी 0 या 1 नहीं, मतलब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या पुलिस इज इक्वल टू भी 0 है। हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोग का पुलिस इज इक्वल टू एक्चुअली 1 हो चुका है, ठीक है। इससे पहले पुलिस इज इक्वल टू 1 हुआ क्योंकि एक पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ इससे पहले वाला इवेंट में, ठीक है। तो अब एक क्राइम जब हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पुलिस को इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे भेज दिया जाएगा तो यहाँ जो एक एक है ये इस केस में इन्वॉल्व जब हो जाएगा, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, तो अब पुलिस का क्या कहोगा, पुलिस -1, ये पुलिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये तो ऐसा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये जब हो गया तो ये तो लूप यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, इसके बाद और जाएगा नहीं। फिर वापस अब आई इज इक्वल टू, तो उसके बाद आई इज इक्वल टू यहाँ पे अभी हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। आई जब 2 लिए तो यहाँ सी इन करके एम आई का वैल्यू लिए, तो एम आई का जब यहाँ वैल्यू लिए, जब 2 क्या है, 2 हुआ 1, ठीक है, 1 हुआ, ठीक है। तो जब 1 लिए तो हम लोग अभी चेक करेंगे क्या एम आई में अभी जो हम लोग एलिमेंट लिए एम यानी एम आई यानी 2 वाला में, ठीक है, मतलब थर्ड वाला जो एलिमेंट लिया अभी हम लोग, क्या वो -1 है, नहीं है। तो ये इफ का कंडीशन गलत हुआ, सीधा हम लोग एल्स में चल जाएंगे। एल्स में हम लोग क्या है, अभी पुलिस का वैल्यू हम लोग 0 था, ठीक है, 0 प्लस MI, MI यानी MI में हम लोग क्या लिए, अभी अभी वैल्यू हम लोग 1 लिए, ठीक है, 1 यानी एक पुलिस का नया अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग का पुलिस का जो है वैल्यू 0 था, अब पुलिस का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1, ठीक है। अब मतलब कि एक पुलिस अभी नया आ चुका है, अगर एक क्राइम होता है तो ये जो पुलिस आए उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। जैसे इसके बाद वाले जो हम लोग लूप लिए हैं, थर्ड वाला लूप में, आई जब 3 लिए हैं, आई थर्ड नहीं फोर्थ लूप है, ठीक है, आई जब 3 लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट एंट्री किए हैं ये है एक क्राइम, ठीक है, -1 लिए हैं, ठीक है। तो अब चेक करेगा क्या अभी जो एलिमेंट लिए वो -1 है, हाँ -1 है, यानी एक क्राइम हो रहा है, हुआ है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे क्या वहाँ पुलिस
है कि नहीं, ठीक है। तो पुलिस इज इक्वल टू, अगर जीरो है मतलब अगर नहीं है तो देखते हैं कि पुलिस का साइज तो इज इक्वल टू वन है, ठीक है। तो ये इफ का कंडीशन गलत हो गया तो एल्स में चल जाएगा, पुलिस इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस यानी ये पुलिस को भी केस में इन्वेस्टिगेट करके भेजा जाएगा और ये हो जाएगा वन से जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का पुलिस का साइज तो जीरो है, ठीक है। अब हम लोग का पुलिस का साइज जीरो है और आई इज इक्वल टू, जब हम लोग फोर्थ वाला लेंगे, आई आई फोर जब लेंगे यानी फिफ्थ एलिमेंट, आई जब फोर लिए, ठीक है, आई जब फोर लिए तो यहाँ हम लोग क्या लिए हैं, फोर यानी माइनस वन लिए, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ एम आई का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन लिए हैं, यहाँ माइनस वन हुआ। अब लोग अभी चेक करेंगे कि इफ एम आई यानी अभी जो एलिमेंट लिए हैं माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन है, हाँ ये कंडीशन तो सही हो रहा है। कंडीशन जब सही हो रहा है तो हम लोग अभी चेक करेंगे क्या वहाँ पुलिस अवेलेबल है, यानी इफ पुलिस इज इक्वल टू जीरो है तो क्राइम प्लस प्लस, मतलब अगर पुलिस वहाँ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पुलिस तो देख रहे हैं यहाँ नहीं है, कंडीशन तो सही हो रहा है, इसीलिए क्राइम प्लस प्लस का मतलब यहाँ ये हुआ कि इस केस को कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे इस जगह पुलिस अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे इस क्राइम को कोई नहीं देखा, इसीलिए एक कंडीशन हुआ, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पे ये वाला केस कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट में जैसे आई जब फाइव हुआ, आई का जब फाइव हुआ यानी सिक्स वाला एलिमेंट, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि नया पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या अभी जो एम आई का वैल्यू लिया वन हुआ, ठीक है। तो क्या इज इक्वल टू माइनस वन है, नहीं है, मतलब ये कुछ क्राइम नहीं है और यहाँ इसका मतलब है कि पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये पुलिस इज इक्वल टू जो कि पहले जीरो था प्लस एम आई अभी जो हम लोग वन लिए हैं, तो अभी पुलिस का वैल्यू वन हुआ, ठीक है, वन हुआ। उसके बाद फिर सिक्स वाला में जब आई इज इक्वल टू सेवन्थ एलिमेंट ले रहे हैं, तो एरे का सेवन्थ एलिमेंट जब ले रहे हैं, आई इज इक्वल टू सिक्स है, तो यहाँ फिर हम लोग एम आई का वैल्यू वन लिए हैं, ठीक है, यहाँ वन लिए हैं। तो फिर देखेंगे क्या है? अभी एम आई यानी जो वन लिए इज इक्वल टू माइनस वन है, नहीं है, मतलब ये क्राइम नहीं है। जब ये का कंडीशन गलत हुआ तो हम लोग सीधा एल्स में चल गए, एल्स यानी पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इससे पहले हम लोग का एक पुलिस था, ठीक है, प्लस अभी एम आई यानी अभी जो एक वन आया इज इक्वल टू टू, यानी अभी टोटल टू पुलिस है, ठीक है। उसी तरह सेवन्थ में भी एक और अपॉइंटमेंट हुआ और अभी पुलिस का साइज थ्री हुआ। लेकिन हम लोग को निकालना है कि टोटल कितना केसेस ऐसा हुआ कि जिसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोग का यहाँ एक ही केस था, इसलिए यहाँ वन हुआ, ठीक है। जैसे इस केस में, इस जगह तो ये लड़ दिखाते हैं, ठीक है, तो रन करके दिखाते हैं एक बार, टोटल इवेंट्स इलेवन, ठीक है। पहला हुआ माइनस वन, फिर है माइनस वन, फिर है टू, ठीक है। उसके बाद हुआ माइनस वन, उसके बाद हुआ माइनस वन, फिर कंटिन्यू कितना है, ठीक है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन, ठीक है, लाइट हुआ ना, क्या इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट आना चाहिए एट, ठीक है। आउटपुट एट इसलिए आया क्योंकि इसमें जैसे हम लोग का टोटल एन का साइज कितना लिया है, इलेवन, ठीक है। ये लूप चला जीरो से लेके आई का, आई इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 ऐसा करके टोटल ये टेन तक जाएगा, ठीक है, आई टेन तक जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले एम आई यानी एम जीरो से ले रहे हैं, ठीक है, जीरो से लिए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या लिया, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन यानी क्राइम हुआ, ठीक है। क्राइम हुआ तो चेक किया कि क्राइम हुआ है, ठीक है, पहला कंडीशन ठीक हो रहा है एफ का, इफ का। अब इसके अंदर चेक करेगा क्या इसमें पुलिस है कि नहीं, ठीक है। अगर पुलिस यहाँ देखता नहीं है तो इसको क्राइम प्लस प्लस यानी इसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है, इसलिए ये वन काउंट किया, ठीक है, यहाँ पे क्राइम प्लस प्लस हुआ, काउंट हुआ, ठीक, ये हुआ। इसके बाद जब सेकंड वाला यहाँ, ये तो लुक यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आई इज इक्वल टू जब हम लोग वन लिए हैं, ठीक है, आई जब वन चला, इसमें हम लोग फिर नेक्स्ट इवेंट जो लिया ये हुआ माइनस वन, ठीक है। यहाँ एम आई का वैल्यू लिया है माइनस वन, ठीक। जब माइनस वन हुआ तो फिर चेक किया क्या ये इज इक्वल टू माइनस वन है, ठीक है, कंडीशन कंडीशन तो सही है, कंडीशन सही होने के चलते फिर हम लोग चेक करेंगे कि अभी पुलिस अवेलेबल है या नहीं है। तो इस केस में भी देखते हैं कि अभी भी पुलिस जीरो है, इसलिए क्राइम प्लस प्लस, यानी यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ वन था, अभी वन प्लस और एक और वन पड़ा, तो अभी टोटल अन इन्वेस्टिगेशन केसेस में टोटल टू पड़ा, ठीक है, अभी टोटल टू है, ठीक। तो इसके बाद ये हो गया, ये लूप यहीं तक चला,
लूप मतलब ये फर्स्ट वाला का, ठीक है, i1 तक इतना ही हुआ। अब i थर्ड लूप जो चलेगा, i इज इक्वल टू जो 2 होगा, ठीक है, इसमें देखते हैं कि हम लोग mn का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। 2 लेने से अब क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या 2 इज इक्वल टू -1 है, नहीं है, कंडीशन जब गलत हो रहा है सीधे एल्स में चल जाएगा। एल्स में क्या होगा कि पुलिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग जो पुलिस का यहाँ 0 था, ठीक है, अब mi का वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं, तो अब हम लोग समझे कि 2 पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ देखते हैं कि पुलिस का साइज अभी 2 हुआ, ठीक है, पुलिस का वैल्यू इज इक्वल टू 2 हुआ, ठीक। अब क्या होगा कि जब हम लोग इसके नेक्स्ट वाला लूप चलेंगे, नेक्स्ट वाला लूप में जैसे ये वाला है, ठीक है, i3, ठीक है, i जब 3 ले रहे हम लोग, तो यहाँ पे एम आई का हम लोग वैल्यू कितना लिए हैं, -1। जब -1 लिए तो अब चेक करेगा क्या -1 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, ये कंडीशन तो सही हो रहा है। कंडीशन अगर सही हो रहा है तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या इफ पुलिस इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे पुलिस का भी वैल्यू 2 का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है। जब देखते हैं कि ये 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ का बजाय सीधा, ये तो कंडीशन गलत होता है, एल्स में चल जाएगा। एल्स में क्या करेगा, पुलिस -1, यानी ये 2 पुलिस में से एक पुलिस को इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा, इसीलिए अभी पुलिस का साइज हो जाएगा 1, ठीक है। अब पुलिस का साइज तो 1 है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला लूप में जाएंगे, नेक्स्ट वाला लूप में है आई इज इक्वल टू, जब ये 4th i4 है, ठीक है, आई जब 4 हुआ यानी एरे का 5th एलिमेंट जब ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या लिए हैं i4 में, ये -1 लिए हैं, ठीक है, तो -1 लिए हैं। अब फिर चेक करेगा क्या एम आई ये इज इक्वल टू -1 है, हाँ, अब क्योंकि हम लोग एम आई अभी -1 लिए हैं, ये चेक किया, कंडीशन तो सही है। कंडीशन सही हुआ तो अब हम लोग ये इफ के अंदर जाएंगे, इफ के अंदर फिर हम लोग चेक करेंगे क्या अभी पुलिस का साइज 0 है, कंडीशन तो गलत है क्योंकि पुलिस का साइज अभी 1 है, एक पुलिस अवेलेबल है, तो ये जो क्राइम हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये पुलिस को, एक पुलिस जो है इसको भेजा जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये इफ का कंडीशन गलत हुआ, तो ये सीधा एल्स में जाएगा, ठीक है। एल्स में गया तो ये पुलिस माइनस माइनस किया, तो अभी यहाँ पे ये पुलिस का साइज हुआ 0, ठीक है, इसीलिए यहाँ देखते कि जैसे पहला, जब पहला क्राइम हुआ तो हम लोग यहाँ पे साइज 2 जो था इसमें से 2 में से ये 1 को इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें भेजा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 था उसको, फिर जब सेकंड वाला और जब नेक्स्ट क्राइम हुआ उसके लिए ये 1 ऑफिसर था, ये भी किया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टोटल ये केसेस मतलब पुलिस देखने वाला था, ठीक है। इसके बाद अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो लूप में है, नेक्स्ट वाला लूप में आई इज इक्वल टू, जब अभी देखते हैं पुलिस का साइज हम लोग का 0 है, ठीक है, पुलिस का साइज जब 0 है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है जैसे ये वाला i5, ठीक है, i5 जब देख रहे हैं तो i5 में क्या ले रहे हैं कि एम आई का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, -1, ठीक है। यहाँ जब -1 लिए तो यहाँ फिर चेक करेगा क्या एलिमेंट जो हम लोग अभी लिए हैं क्या वो -1 है, हाँ, कंडीशन तो सही है, -1 यानी ये क्राइम हुआ, ठीक है। तो क्राइम हुआ तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या पुलिस ऑफिसर है, तो यहाँ तो देख रहे हैं इफ, यहाँ तो देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर है नहीं, ठीक है, तो मतलब इफ पुलिस इज इक्वल टू 0 है तो क्राइम ++, यानी इससे पहले हम लोग जैसे टोटल अन इन्वेस्टिगेशन केसेस में जैसे 2 था, अब यहाँ एक और +1 हुआ, ठीक है, तो ये 2 + 1 इज इक्वल टू अभी टोटल 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये चलते जाएगा, और तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल, इसलिए आउटपुट 8 आया, ठीक है। इसको आप सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है।